हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी अपन लोग अमरकंटक के लिए निकल रहे हैं और अभी रात के 3 बजे हैं और हम लोग अभी निकलने वाले हैं अमरकंटक के लिए। बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस, हम लोग अभी निकल रहे हैं एक ही बाइक में। आ गया है ये लेट लतीफ इंसान। तो अभी हम लोग मोहरा बैकुंठपुर में पहुंच चुके हैं और अभी पूरा बारिश हो रहा, तो अपना रेनकोट पहन लिया। मैं रेनकोट पहन लिया। मोहरा नहीं, मोहरा था वो। मोहरा से निकलते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं बैकुंठपुर के पेट्रोल टंकी में। यहाँ हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। 1 घंटा बाइक चलाने के बाद हो जाता है सवेरा और हम लोग रतनपुर में चाय ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। बारिश के मौसम में चाय की चुस्की और सलोनी का आनंद लेते हुए हम तीनों दोस्त। गाइस, हम लोग कहाँ है पर अमरकंटक के लिए जा रहे हैं। इधर बारिश देखते गाइस, अंधाधुंध बारिश। ये देखिए, इधर बारिश देखिए दोस्तों, कितना बारिश हो रहा। और अभी रेन कोट हम लोग खरीदेंगे, अभी क्या आएगा पीने के बाद। यहाँ से अपन लोग निकलते हैं। यहाँ बस भाई लोग अभी रेन कोट ले रहे हैं। अगर आपको सस्ते में कहीं भी सरवाइव करना है तो इन भाई साहब से आप जरूर मिलिए। दोस्तों, अपन लोग अभी निकल रहे हैं। एक चिल्ली आया है भैया खान का। नानू भाई आप लोगों को हाय कर रहे हैं। हाय का रिप्लाई आप कमेंट में कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोगों के बीच कुछ हो जाती है बातचीत, और जिसमें हम लोग शेख चिल्ली भाई को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब प्रिंस को। जो भी हो, है तो अपना भाई ही, उसको बुला लेते हैं और निकल जाते हैं अमरकंटक के लिए। महाकाल की नगरी अमरकंटक जाने का मार्ग कुछ इस तरह है। घने जंगलों के बीच काली सड़क है और जब 3 दोस्त हो, मटर गश्ती ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो गाइस, अभी हम लोग पेट्रोल टंकी में अभी रुके हैं। भाई का बन गया प्रेशर, तो भाई जा रहा है अभी। हम लोग को दोस्तों यहाँ पे गूगल मैप का रास्ता है, देखिए कहाँ पे ले आया, रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज के पास। क्या करें, हो जाता है ऐसा कभी कभी बड़े बड़े ट्रिपों में, छोटी छोटी बातें। गूगल मैप ने कुछ इस तरह मार्ग दिखाया कि हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन में ओवर ब्रिज के पास। भाई यहाँ पे सुनक गया है, ठीक है, गलती तो इंसानों से होती है। घने जंगलों के बीच में महाकाल लिखा हुआ से आभास होता है कि हम लोग अमरकंटक के करीब हैं। दोस्तों, यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया है ऊपर पहाड़ में अमरकंटक वाले रूट पे। ये सकरा रास्ता, घने जंगल, लंबे लंबे पेड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों में धुआं को देखते हुए आभास होता है कि हम लोग अमरकंटक पहुंचने ही वाले हैं। गाइस,
दोस्तों अभी यहाँ पर अपन लोग रुके हैं, फोटो सेशन यहाँ पर चल रहा है। भाई का देखो रंगिया वाला सेल्फी स्टिक है। दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि मैं अमरकंटक यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ, और जब बचपन में आया था तब मेरे को कुछ ढंग से याद नहीं था। सावन के समय में आया हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा है और पहाड़ है, मतलब हिल स्टेशन ऐसी चाहिए अपन को देखने के लिए पहाड़ी वाला एरिया। क्या है कि अपन ट्रैक्टर वैक्टर चला के थोड़ा सा दिमाग कंजट आ जाता है, इसलिए घूमना फिरना भी चाहिए, मन को फ्रेश करना चाहिए। वो देखिए मेरे दोस्त लोग हैं, और जब पता है अब कभी भी अपने परम मित्रों के साथ तो ट्रिप पे कभी मत जाओ, लड़ाई होता है, बकर होता है, क्या ही बताऊं। तो जैसा भी मैं बात कर रहा था कि कभी कभी किचन हो जाता है, और किचन हो चुका है। पर बैठना इस तरह का आवाज आपका जानवर दोस्त ही निकाल सकता है। दोस्तों अपन लोग ये तय किए कि अभी अपन जब तक अमरकंटक में तब तक गाली नहीं देखेंगे। दोस्तों अभी अपन यहाँ पर से बहुत खतरनाक जगह से चल रहे हैं, बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ पे नीचे अपन खाई खाई गिरेंगे तो हम लोगों का पता नहीं चलेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि सतर्क रहें। लैंडस्लाइड भी हुआ है दोस्तों यहाँ पे, तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। कावड़ियों को देखकर ऐसा लगता है हम लोग अमरकंटक के बहुत ही निकट हैं। फिर हम लोग इन कावड़ियों से रास्ता पूछते हैं और पहुंच जाते हैं अमरकंटक। अमरकंटक पहुंचते ही भाई अपना नाश्ता में लग जाता है, और हम लोग चाय का आनंद लेने के बाद चले जाते हैं नर्मदा जी में स्नान करने। और कुछ इस तरह अमरकंटक की गलियों को ऑब्जर्व करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। भाई हम लोग स्नान वगैरह कर चुके हैं, और अभी आ गए हैं बाजार में, मतलब मेला में नारियल वगैरह खरीदने। और नारियल वगैरह जहाँ से हम लोग खरीदते हैं वहाँ हम लोग अपना सामान वगैरह वहाँ पे ही रख देते हैं और चले जाते हैं दर्शन के लिए। सैकड़ों के भीड़ में श्रद्धालु यहाँ पे जा रहे हैं दर्शन के लिए, और उन सैकड़ों में एक हिस्सा मैं भी निभाता हूँ, और सैकड़ों के भीड़ को चीरते हुए मैं आ जाता हूँ मुख्य द्वार में। मुख्य द्वार के अंदर आते ही ऐसा लगता है जैसे यहाँ सैकड़ों की नहीं हजारों की भीड़ में श्रद्धालु आए हैं दर्शन के लिए, और हम लोग दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं और पूजा करके निकल जाते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग तस्वीर में कैद करने लगते हैं कुछ यादगार पल को अमरकंटक के, और उसके बाद माथे में राधे राधे और महाकाल का चंदन वाला टीका लगवा के अपने ट्रिप के आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अपन लोग यहाँ से अपना सामान वगैरह लेके, हेलमेट वगैरह, रेनकोट, बैग लेके हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं, और बहुत तेज भूख लग रहा है। ये दोस्तों देखो अमरकंटक में अभी भी इतना सारा क्राउड है। मंदिर से निकलकर हम लोग चले जाते हैं कपिलधारा घूमने। अपन जा रहे थे यहाँ पे से कपिलधारा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है, क्या करें, अब वापस जाना हम लोगों को घर। भैया खान गाइस अपन यही खा रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा खा के गुजारा चला रहे हैं। तो देखते हैं गाइस कपिलधारा कैसा है। एक हिसाब से दोस्तों ये मध्य प्रदेश का मेन पार्ट है, मेन पार्ट का दूध भरा है। कपिलधारा आने के बाद ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट के टाइगर पॉइंट में अपन लोग आ चुके हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे बच्चों को प्लीज ना लाएं, बहुत ही डेंजरस जगह है,
कपिल धारा। अमरकंटक का शहर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, और भी दर्शनीय स्थल हैं। हम लोग वहाँ पे अभी नहीं, कभी नेक्स्ट बार जाएंगे। अभी शाम हो रहा है और अपन अभी घर के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को बहुत ही तगड़ा व्यू एक और मिल चुका है रास्ते में, तो मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। पेंड्रा रेलवे स्टेशन में हम लोग महाकाल का भंडारा खा रहे हैं। हम लोग का प्लानिंग ये है कि अब सुबह निकलेंगे, क्योंकि रात हो चुका है और बारिश का टाइम है। पेंड्रा में रुक अपन लोग तीनों भाई आ जाते हैं महाकाल के दरबार में भंडारा खाने, क्योंकि आज रात हम लोगों को गुजारना है। भंडारा खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बाहर महाकाल के दरबार से, और हम लोग एक एक मीठा पान खाते हैं। मीठा पान खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं रूम के तलाश में, और हम लोगों को रूम मिल जाता है। अपन लोगों के आज रात का ठिकाना यही होता है। हम लोग अपनी गाड़ी अंदर करते हैं और चले जाते हैं रूम में सोने के लिए, और कुछ इस तरह है अपना रूम। और सुबह अपन दोस्तों अपन जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये अपना पैकिंग कर रहा है। दोस्तों आज रात हम लोग पेंड्रा में बिताए थे, और अभी सुबह हो चुका है और निकल रहे हैं हम लोग अपने घर के लिए। कुछ ऐसे हैं पेंड्रा की गलियां, जिसको हम लोग याद के तौर पे वीडियो बना के रख लिए। अमरकंटक ब्लॉग एक यादगार पल बन के रह चुका। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।